रोडवेज बस स्टेशन भेंगाव के इंचार्ज केपी सिंह वनकिया बेबर का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। आपको बता दें कि केपी सिंह मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी बेबर ब्लॉक के सामने से आ रही वाहन की टक्कर से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, अगर वो हेलमेट पहने हुए होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर कचहरी परिसर कलेक्ट्रेट में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष अग्निवेश समाजवादी ने विशाल धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल महोदय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा जिला अधिकारी शाहजहांपुर महोदय को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इसमें पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष महामहिम शिवपाल सिंह यादव के आह्वान पर जिला अधिकारियों द्वारा देश में फैल रही जन समस्याओं को दूर करने के लिए बिंदुवार अवगत कराया गया। हमारी मांगे हैं, बिजली की समस्या जो है जिसके दाम बढ़ाए गए हैं ये तत्काल वापस लिया जाए। मोटर वाहन का जो नया कानून है जिसका अभी सर्कुलेशन भी नहीं आया है, ये कैसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं बिना सर्कुलेशन के। अगर जिनका 15-20-25 हज़ार का चालान हो जाता है वो सीधे अदालत जाए, 200 रुपए में निपट जाएगा। अभी कोई सर्कुलेशन नहीं आया, खुली लूट हो रही है। दूसरी चीज आवारा पशुओं के नाम पर, जो जिसके नाम पर, गाय के नाम पर सरकार आए, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? जानवर भी मर रहा है, आदमी भी मर रहा है, खेतों को नुकसान हो रहा है। और सबसे मुख्य समस्या जो है, जो बिजली के नाम पर, चेकिंग के नाम पर लोकल की समस्या हमारी है। लोग घरों में घुस जाते हैं और लोग माँ बहनें लोग घर में होती हैं, बेपरदगी होती है, और जब मारतोड़ होती है तो उल्टा उनके ऊपर 332 सरकारी कार्य में बाधा कर मुकदमा लिखाते हैं। ये सब नहीं चलेगा। इन चीजों के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, और जो देशभक्ति का इंजेक्शन लगाकर सरकार आई है तो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए, वरना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सड़कों पर पूरे प्रदेश में उतरेगी और पूरी शक्ति के साथ हम लोग जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, शहर जाम करना पड़े, जेल जाना पड़े, उससे हम लोग प्रगतिशील समाजवादी की पार्टी के लोग नहीं डरते। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बरेली प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने बरेली जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अनेक खामियां मिलने पर डॉक्टर टीएस आर्य को फटकार लगाई। प्रभारी मंत्री ने इमरजेंसी के गेट पर टूटा कूड़ेदान देखकर नाराजगी जाहिर की और उसे तुरंत हटवाने के निर्देश दिए। नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प है, और विशेष तौर से हमारी प्रदेश सरकार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, हम जन्म सप्ताह मना रहे हैं, तो जन्म दिवस सप्ताह में स्वच्छता ही सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है। महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था स्वच्छ भारत का, तो उसको पूरा करने का काम हम सब भारतवासी अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। उन्होंने एक उसको जन आंदोलन बनाया है, उसी में स्वच्छता ही सेवा के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध हमने लगाया है। उसमें जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर बीमारी में लोग आते हैं, और स्वच्छता के मानकों पर सभी हॉस्पिटल्स खरे उतरें, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। जहाँ कमियाँ हैं उनको पूरा करें। आप यहाँ आए, क्या देखा आपने? वो बताया मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। इसका लेआउट पूरा तैयार होगा, मैं जब आऊँगा 15-20 दिन के बाद तब। स्वच्छता की बात की आपने, आते ही सबसे पहले यहाँ पे डस्टबिन रखा था, कूड़ा बाहर पड़ा हुआ था, आपने फटकार भी लगाई। व्यवस्थित करने की फटकार की कोई बात नहीं है, कोई फटकार नहीं होती है, और हमको व्यवस्थित करना है सबको मिलकर, एक टीम है ये, और थोड़ा वर्क कल्चर भी बदलना है, अप्रोच को थोड़ा बदलना है। इसका एक हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे और सब मिलकर अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। अपने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ, क्योंकि बीमार लोग आते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो सब प्रबंधन संस्थान प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर द्वारा मशीन लर्निंग पर आधारित वर्कशॉप कृति का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ गुरुवार को MITS कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर RS जादौन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस वर्कशॉप में देश भर से आए 85 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। ये जो सर आज का कार्यक्रम है कृति, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। कृति प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट का एक बहुत एस्टेब्लिश्ड कॉन्फ्रेंस है, जो मुख्यतः इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हर साल ऑर्गेनाइज होती है। ये मेरे ख्याल से 11वीं अपने आप में ये 11वीं कॉन्फ्रेंस है,
और इसमें एक स्पेशल सेशन रखा गया है, एक स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है मशीन लर्निंग के ऊपर। मशीन लर्निंग विगत कुछ दिनों में मशीन लर्निंग एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए उभर कर आया है। आज कंप्यूटर साइंस के किसी भी छात्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की आवश्यकता, जानने की आवश्यकता अत्यंत बढ़ गई है। वह अपना कोई भी कार्य बिना, ये जो सर आज का वर्कशॉप है मशीन लर्निंग पर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए हर साल एक वर्कशॉप और कॉन्टेस्ट का आयोजन करता है। ये वर्कशॉप और कॉन्टेस्ट दोनों को मिलाकर हम उसको कृति बोलते हैं। जो कॉन्टेस्ट है वो कृति है, उससे पहले की तीन दिन की एक वर्कशॉप होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। इस साल ये 11वीं वर्कशॉप है जो हम आयोजित कर रहे हैं, 11वां कॉन्टेस्ट और 11वीं वर्कशॉप। इस साल हमने जो टॉपिक रखा है लर्निंग के लिए वो मशीन। नटरांजलि थिएटर द्वारा चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का आयोजन 22 से 26 सितंबर को होली पब्लिक स्कूल सिकंदरा आगरा पर किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से देश विदेश से आए कलाकारों के साथ आगरा शहर के कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। 5 दिवसीय प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण से ही महोत्सव सम्पन्न होगा। अलका सिंह, ऑर्गेनाइजर, अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव। आज किस तरीके का कार्यक्रम, किस परिपक्ष में रखी गई है आपकी प्रश्नता? हमारे बीच में जो कलाकार आने वाले हैं, जैसे इस प्रकार ये आ रही है ओडिसी डांस प्रस्तुत करेंगी, और भी जो कलाकार आ रहे हैं उन लोगों का हमने यहाँ पर उनके बारे में बताया है। जैसे 4 तो हमारे विदेशी टीमों के कलाकार आ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और सर्बिया के कलाकार हमारे बीच में होंगे, और भारतवर्ष से लगभग 22 राज्यों के कलाकार होंगे, जिसमें श्रीनगर के कलाकार कहीं प्रतिभाग नहीं करते थे अक्सर, वो नहीं प्रतियोगिता में शामिल हो पाते थे। इस बार श्रीनगर के कलाकार भी हमारे बीच में होंगे अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों को लेकर। पूरे शहर को जोड़ा गया है, कलाओं के माध्यम से भी जोड़ा गया है। सम्मान हम लोग जो बहुत बेहतर कार्य अपना योगदान देते हैं समाज के बीच में, आगरा को विश्व पटल पर ले जाने के लिए समर्पित हैं, जिनका जिनकी संस्थाएं, जिनका खुद का व्यक्तिगत जीवन, उनको भी हम इस मंच से सम्मान कर रहे हैं। जैसे नवरत्न सम्मान दे रहे हैं, विभिन्न संस्थाएँ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए नवरत्न सम्मान है, जो बहुत अच्छा डिवोटेड होकर स्वयं कार्य कर रहे हैं उनके लिए सप्तऋषि सम्मान है, और भी सहयोगी जो संस्थाएं हैं इस ताज रंग महोत्सव को सफल बनाने में, उन सभी संस्थाओं का हमारे इस मंच पर स्वागत। कितने दिनों का कार्यक्रम रखा जाए? ये हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 22 तारीख को होली पब्लिक स्कूल में प्रातः 11:30 बजे से इसका शुभारंभ होगा। प्रथम सत्र में कार्यक्रम चलेंगे, फिर द्वितीय सत्र में 22 तारीख को 5 बजे भव्य यमुना आरती यमुना हाथी घाट पर आयोजित की गई है, जिसमें सभी कलाकार अपनी अपनी वेशभूषा में यमुना मैया की आराधना करेंगे। उसके बाद हमारा शहर उनका स्वागत करेगा, सम्मान करेगा, और उनकी कुछ विशेष प्रस्तुतियों को वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। फोटोग्राफी से संबंधित आपने प्रतियोगिता रखी है, उसमें किस तरीके से आपने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और क्या उसमें फाउंडेशन है? हमारा जो कार्यक्रम है ये इसका जो मुख्य आकर्षण, हमारा 26 तारीख को जो रंग जुलूस निकलेगा कार्यक्रम के समापन के दिन यानी 26 को, उसमें भव्य रंग जुलूस है। 2 से 3 घंटे का समय रंग जुलूस में जो कलाकार होते हैं अपना अपनी अपनी वेशभूषा में तैयार होकर अभिनय करते हुए, नृत्य करते हुए, सामाजिक कुछ संदेश, प्रेरक संदेश देते हुए वो रंग जुलूस निकालते हैं। इसी दौरान हमने फोटोग्राफी प्रतियोगिता की है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो लोग शामिल होंगे। आगरा से करीब 50 से ऊपर जो फोटोग्राफर्स हैं वो प्रतिभाग करेंगे, और ये जो रंग जुलूस होगा इसकी फोटोग्राफी उनकी फोटोग्राफी कंपटीशन में मानी जाएगी। इसमें कोई मानक रखा गया है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर रखे हैं या आजकल जो शौकिया बच्चे जो फोटोग्राफी करते हैं उनको रखा गया? शौकिया भी है और प्रोफेशनल भी है, जो इस कला और संस्कृति को अपने कैमरे में कैच करना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं, इन पलों को संजोए रखना चाहते हैं। पूरा भव्य आयोजन जो कि विश्व भर का कलाकार हमारे आगरा के पथ पर होगा वो सभी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, और हमारे जो इसके संयोजक हैं डॉक्टर अमोल शिरोमणि और धीरज कटारा, ये इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और भी शामिल हो सकते हैं लोग। देवरिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने समस्त अधिकारीगण व पुलिसकर्मियों को अपने अपने क्षेत्रांगत फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए, जिससे महिलाओं व व्यापारियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।
निर्देश के साथ ही पुलिसकर्मी कस्बा रुद्रपुर में फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। अजेर में चंबल नदी से आई बाढ़ आपदा में कलेक्टर एसपी व एसएसपी ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर छोटे छोटे मासूम बच्चों और वृद्ध लोगों को बचाया गया। वहीं भिंड की हाउसिंग कॉलोनी में कोचिंग संचालक नितिन दीक्षित के निर्देशानुसार सेवा दल के द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर खाद्य सामग्री व फल वितरित किए गए और उनकी समस्याओं को सुनकर आश्वासन दिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नितिन जी, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं अटेर में बाढ़ प्रभावितों के बीच, क्या योजना है, किस लिए आए आप? मैं जब मुझे पता चला यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है तो हमारी पूरा टीम यहाँ पर आई हुई है और वास्तव में यहाँ के लोग बहुत ही समस्या में हैं, घर डूबे हुए हैं, लोगों के घर पर चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं दो दिनों से और यहाँ पर सामग्री तक नहीं पहुँच पा रही सरकार द्वारा, इसलिए मुझे प्रशासन का भी यहाँ इस ओर ध्यान नहीं आया है। तो हमारा सभी बड़े भाई मिलकर, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों को जितना भी हो सक रहा है उन्हें मदद कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो भी समस्या हुई उनकी मदद की जाएगी। शिवरी जी, आपने यहाँ पर अभी क्या क्या खाद्य सामग्री का वितरण किया? अभी मेरी एसडीएम से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि हमारा कैंप लगा हुआ है, जितना भिजवा दो मैं और भी सामग्री जो भी हो भिजवाऊंगा। और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाने को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। योगी जी ने बलिया में बाढ़ का सर्वेक्षण किया और भाजपा की परंपरा के अनुसार जमकर झूठ बोला। उनका सभी को 12 घंटे में राहत देने का वादा झूठा साबित हुआ है। यहाँ पे प्रभारी मंत्री आए हैं और उनकी उपस्थिति में यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनकी गाड़ी के आगे रोक करके और आत्महत्या की बात कर रहे हैं। क्या है मामला सर? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कक्षा एक में एडमिशन होता है, कक्षा एक में 25% कोटा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। उनका मामला यह है कि वो ऐसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन चाह रहे हैं जहाँ पहले से 25 कोटा पूरा हो चुका है मंडल का। दूसरी जो उन्होंने विकल्प दिया है वो ऐसे स्कूल का दिया है जो उनके वार्ड में, इस कारण से उसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम मानक के अनुसार ही एडमिशन बच्चों का कराते हैं गरीब परिवार। इस साल हमने 1000 से ऊपर बच्चों का एडमिशन कराया और उनके अभिभावकों से संतुष्टि का प्रदान कर दिया। अच्छा काम जनपद में हुआ, परंतु फिर भी जैसा एक अनार 100 बीमार की कहावत आपको सर, महिलाओं का आरोप है कि बदसलूकी की है, बीएसए बदसलूकी बच्चे का एडमिशन हो या ना हो, महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं लेकिन एक बीएसए साहब है महिलाओं को अपमानित, उनका कहीं एडमिशन हो चाहे ना हो धक्के क्यों मारे बीएसए साहब, उनका ये कहना है सर। क्या इस पर जाँच कराएंगे सर? है या उन्होंने धक्का नहीं मारा, इसकी जाँच मजिस्ट्रेट से करो, अगर जाँच में पाया गया तो जी। अंतिम सवाल, जिस तरह से महिलाएं एक जबरदस्ती किसी मांग को एक मंत्री के सामने प्रदर्शन कर रही आत्महत्या की, क्या उन महिलाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है? महिलाओं पर कार्रवाई करना नहीं, ठीक है।